हेलो दोस्तों वेलकम टू एग्जामपुर हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं बोल के एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं तो आप सभी साथियों को नमस्कार अदाब और जैसे काल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप सब कैसे हैं दोस्तों चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट फड़ से जिन भी दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो सभी दोस्त जल्दी से आज की क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक पेपर हुआ था यूपीएसआई 2017 में याद होगा आप सबको को है ना उसका जो पेपर था उसका जो पेपर था तेरह दिसंबर को जो पेपर हुआ था तेरह दिसंबर को जो पेपर हुआ था शिफ्ट वन का कौन सी शिफ्ट शिफ्ट फर्स्ट का ठीक है उस पेपर को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे उस पेपर को हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो भैया उसको शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी नए दोस्त एग्जामपुर से जुड़ रहे हैं वो सभी लोग अपने परिवार एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है हाँ जी बिल्कुल राधे राधे राम राम भैया चलिए शुरुआत करें आज के पेपर की फिर क्योंकि टाइम कम होगा क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो बात बिल्कुल भी नहीं होगी है ना कमेंट्स बिल्कुल भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और कुछ क्वेश्चन शायद आपको विजिबल नहीं हो पाएंगे इसीलिए मैं स्किप कर दूंगा दिखा करके आपको अगर आपको विजिबल होते हैं तो आप आंसर कर देना जिसको नहीं होते हैं वो स्किप कर देना क्योंकि चलिए करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है करिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्लास ये कॉन्स्टेबल वालों के लिए भी है पेपर में यूपीएसआई वाला आपको एनालिसिस करा रहा हूं जो शिफ्ट वन में पेपर हुआ था ना उसका एनालिसिस कह रहा है क्रिकेट टेबल टेनिस स्क्वैश और फुटबॉल इन सब में क्या डिफरेंट है जल्दी से बताइए क्रिकेट टेबल टेनिस स्क्वैश फुटबॉल तो इनमें से क्या डिफरेंट है देखिए जो आंसर है आप वहां तक पहुंच नहीं पाए जो आंसर है आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं चलिए जल्दी से करिएगा उम्मीद है फास्ट और फास्ट बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी और तेज तो सभी के यहां पर लगभग आंसर गलत है क्योंकि आंसर जो एग्जामिनर ने सही माना उसने कहा दैट फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर क्यों सर क्यों सर क्यों फुटबॉल करेक्ट है फुटबॉल करेक्ट क्यों है अरे टेबल टेनिस और स्क्वैश और क्रिकेट ये तीनों ही उसने कहा ये तीनों ही उसने कहा कि बैट प्लस बॉल दोनों का उपयोग होता है और केवल यहां पर बॉल का होता है ओनली बॉल ठीक है केवल गेंद का उपयोग किया जाता है तो यहां पर आंसर दिया उसने ऑप्शन नंबर डी ये कौन है दादा क्या नाम है इसका अंकित यदुवंशी जाए या लड़के यार आउटडोर गेम की बात नहीं है क्रिकेट भी आउटडोर है और टेबल टेनिस इंडोर भी है आउटडोर भी है स्क्वैश आउटडोर है इंडोर है दोनों है है ना बट फुटबॉल वैसे आउटडोर है परंतु फुटबॉल बॉल से खेलते हैं ठीक है तो इसलिए इसने आंसर दिया इसका इसलिए इसने आंसर दिया इसका ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गई बात क्वेश्चन पहला था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं अब देखिए शायद ये पेपर अब ये क्वेश्चन आपको दिख ना पाए क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में से कटिंग क्वेश्चन है दिख रहा है नहीं दिख रहा कुछ अगर नहीं दिख रहा है ना तो मैं बना देता हूं इसको थोड़ा थोड़ा ठीक है मुझे एक सेकेंड का टाइम दे देना तो मैं इसको बना दूंगा ठीक है वैसे दिख तो मुझे भी कम रहा है ये तो, तो फिर तुम्हें तो फिर कहाँ ही दिख रहा होगा मुझे पूरी आंखें इस पर आई टेस्ट हो गया है मेरा ठीक है ये ऐसे करके कुछ इमेज है इसमें पहली इमेज कुछ ये ऐसे करके है दूसरी इमेज ये कुछ ऐसे करके है तीसरी इमेज ये, ये कुछ ऐसे करके है और चौथी इमेज ये कुछ ऐसे करके है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा चलिए करिए इस, गेम ही होता है ठीक है जैसे आपका बोलते हैं ना जो दिमाग में से एकदम से वो कहते हैं ना कभी कभी चीजें ब्लैंक हो जाना ठीक है आपने गेम देखे होंगे बहुत सारे ग्राउंड पे खेला जाता है और बिल्कुल टेनिस की तरह होता है स्क्वैश ठीक है सेम जैसे टेनिस होता है वैसा ही स्क्वैश होता है चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में डार्क कर दिया मैंने इमेज को अब ये आपको इमेज दिख रही होगी इजीली विजिबल होगी है ना तो अगर इसकी अब बात करूं तो अब इजीली विजिबल है कह रहा है इसको कंप्लीट करना है तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन रहा है ठीक है इसमें क्या बन रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एक सेकेंड का टाइम देना क्योंकि यहां पर भी इमेज आपको बहुत कम विजिबल होगी है ना मैं एक सेकेंड में बना दूंगा इसको भाई साहब ये तो ऐसी इमेजेस हो रही है मुझे खुद ही ना दिखें तो तुम्हें क्या दिखेंगी लेक्ट करिए तो देखो इन सब चीजों से एक चीज और कंफर्म हो गई कि भैया पेपर है ये है ना ये पेपर है तुम्हें तो कंफर्म हो गया ठीक है क्योंकि पेपर में से कटेंगे है, तभी पेपर है मुझे खुद ही नहीं दिख रही थी वो वाली इमेज तो दूसरी वाली तो भाई साहब हाँ बिल्कुल पर देखो मैंने अंदाजे से भी बिल्कुल सही सी बना दी चलिए तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पर कह रहे हैं स्टोव फ्रीजर और बर्फ का टुकड़ा कह रहे आइस क्यूब फ्रीजर और स्टोव तो जहां तक मुझे पता है आइस क्यूब को आइस क्यूब जो होते हैं वो फ्रीजर के अंदर रखे जाते हैं और स्टोव जो है हमारा अलग होता है तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है चलिए अगला देखेंगे चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर और अगेन कुछ कुछ सेम इमेज वैसे ही है ठीक है अगेन कुछ कुछ सेम इमेज इसमें भी है और इसको भी मैं एक सेकेंड में ड्रॉ कर देता हूं ठीक है आप लोग इतने आंसर करेंगे मैं ड्रॉ कर चुकूंगा चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर है देखिए क्या कहा गया है तो क्वेश्चन फोर में कहा गया है आपसे रिलेशन बताना है आपको अफ्रीका सिलेचिस Sil और विक्टोरिया में अफ्रीका सिलेचिस और विक्टोरिया में आपको रिलेशन बताना है और लॉजिक भी बता दीजिएगा अगर आपका मन करे कि भाई क्या लॉजिक बन रहा है ठीक है कि अफ्रीका सिलेचिस और विक्टोरिया में लॉजिक भी बता दीजिएगा चलिए करिए फोर का आंसर क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर बात हो रही है ठीक है अफ्रीका विक्टोरिया और सिलेचिस ठीक है तो बिल्कुल क्या बात है बहुत सही यहां पर आंसर आते हुए बहुत सही आंसर आते हुए कि सर ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए था क्यों होना चाहिए था क्योंकि जो विक्टोरिया है वो आपका अफ्रीका के अंदर आता है और सिलेचेस अलग होता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है तो पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्लॉक्स का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका अफ्रीका सॉरी मैंने अपोजिट बना दिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट कह सकते हैं और विक्टोरिया स्लेचेस इसके अंदर ले सकते हैं है ना दोनों तरीके हैं उसको करने का चलिए करिए अरे बहुत सारे तरीके हैं करने के कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी देखिए क्वेश्चन नंबर पांच तो यहां पर पांचवे प्रश्न में उसने कहा सम पेपर आर स्टील कुछ पेपर क्या है स्टील है कुछ पेपर क्या है आपके स्टील है और फिर बोल रहा है ऑल मेट ऑल स्टील इज मेटल सभी स्टील क्या है मेटल है सभी स्टील क्या है मेटल है और कह रहा है ऑल मेटल आर ब्लैक सभी मेटल क्या है ब्लैक है सभी मेटल क्या है ब्लैक है ठीक है ये तो दिया इसने स्टेटमेंट अब क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की हम बात करें तो कॉन्क्लूजन में दिया है सम पेपर्स आर मेटल कुछ पेपर मेटल हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ कागज क्या है धातु है फिर कह रहे हैं ऑल स्टील इज ब्लैक अब जब आप बाहर की ओर जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि ऑल क्या होता है सही होता है कि ऑल क्या होता है सही होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ राइट right. इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ राइट right, बिल्कुल सही बनता है चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अब बताइए मैंने आपको इवन जो यूपी कांस्टेबल में पढ़ाया है क्या तुमको भी दिक्कत आ रही है इस पेपर को सॉल्व करने में नहीं आएगी क्यों क्योंकि मैंने तुम्हें वो लेवल पढ़ाया है कि तुम ऐसाई SI का पेपर भी बच्चा बना दोगे बिल्कुल ऐसे हलुआ जिसको कहते हैं ठीक है थीके? तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है सूर्य हैज ओनली टू सूर्य सूर्या, सूर्या केवल के दो बेटे हैं मुधु और अजय कह रहा है दिव्या इज द डॉटर ऑफ अजय ब्रदर दिव्या अजय के दिव्या कहा गया दिव्या अजय के भाई की बेटी है सीता मुधु की पत्नी है सीता इज द वाइफ ऑफ मुधु अनिल इज मैरिड टू दिव्या अनिल का सीता से क्या हुआ है शादी तो ये एक्चुअल में शादी को देखिएगा करिए इस क्वेश्चन को पहला गलत हुआ तो बाकी सब सही हुए हैं चलिए कोई बात नहीं है एक आध क्वेश्चन में तो गलतियां हो भी जाती है तो देखिए यहां पर बोला गया सूर्य हैज ओनली टू सन तो ये रहे सूर्य बाबू इनके केवल दो बेटे हैं एक बेटा था कौन मुधु है ना एक था मुधु और एक था अजय एक था मुधु और एक था अजय बोल रहा है कि दिव्या इज डॉटर ऑफ अजय के भाई यानी कि मुधु की बेटी हो जाएगी दिव्या जो है किसकी बेटी हो जाएगी मुधु की बेटी हो जाएगी ठीक है बोल रहा है सीता इज वाइफ ऑफ मुधु तो सीता जो है वो कौन हो जाएगी मुधु की पत्नी हो जाएगी फिर बोल रहा है अनिल इज मैरिड टू दिव्या अनिल जो है वो दिव्या से मैरिड हुआ है मतलब अनिल की शादी हुई है दिव्या से तो अनिल तो लड़का होगा कह है वॉट इज द रिलेशनशिप विद सीताज ब्रदर इन लॉज फादर्स वाइफ तो सीता के ब्रदर इन लॉ कौन है अनिल है वो अजय अजय के पिता की पत्नी मतलब सूर्य की पत्नी और इनका रिलेशन इनसे क्या हो जाएगा तो एक तरीके से ये क्या हो जाएंगे तो यहां पर बात करेगा चलिए तो यहां पर आंसर क्या बनेगा ठीक है तो यहां पर आंसर क्या बनेगा ग्रेट ग्रैंडसन इन लॉ कैसे बन रहा है ठीक है देखिए इसमें ना टाइपिंग एरर है भाई आप ध्यान से सुनिए ग्रेट ग्रैंडसन कैसे बन गया ग्रेट ग्रैंडसन कैसे बन गया इसका तो बताइए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे माँ तो खैर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ग्रेट कहाँ बना अरे ग्रेट कहाँ बना ग्रेट का मतलब होता है तीन पीढ़ियों का अंतर यहाँ तो एक और एक दो ही पीढ़ी का अंतर आ रहा है क्या कर रहे हो है ना ध्यान से तो कर लो एक बार अगर ऑप्शन में मिस्टेक है तो तुम ध्यान से कर भी नहीं सकते हो है ना अगर ऑप्शन में मिस्टेक है तो तुम ध्यान से कर भी नहीं सकते हो यहां पर ये जो आपका ग्रेट लगा हुआ है ना ये फालतू लग गया है ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से इसमें कॉपी हो गया है ठीक है तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्रैंड सन इन लॉ ठीक है वो भाई तुम्हारा सन इन लॉ का मतलब तुम्हारी जो डॉट ये है तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर है उसका पति है तो क्या हो जाएगा ग्रैंड सन इन लॉ हो जाएगा बस ठीक है तो इसको थोड़ा सा तो ध्यान दे लिया करो हो सकता है ये टाइपिंग में कॉपी पेस्ट हो गया हो तो तुम भी कॉपी पेस्ट करोगे क्या अपनी तरफ से कुछ ध्यान नहीं दोगे अपनी तरफ से ध्यान देना ही नहीं है सर हमें हम कैसे अपनी तरफ से ध्यान दे दें ग्रेट का मतलब होता है पर पर पोता पर पोती पर तुम लोगों ने कहा ध्यान देना है तुमने तो बस जल्दबाजी में आंसर देना है सुधरने के तुम हो नहीं चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर करो इसका आंसर चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हाँ उसके बाद सब ए देने लगे जैसे मैंने बोल दिया तो सुधर तो तुम सकते ही नहीं हो क्या होगा तुम्हारा पेपर में अगर तुम्हें ये अंतर ही पता नहीं चलेगा तो तुम तो पेपर में भी टिक कराओगे ऑप्शन मान लो दोनों ऑप्शन आ गए ग्रेट ग्रैंडसन भी लिख दिया ग्रैंडसन भी लिख दिया फिर क्या करोगे चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम वॉक्स रहीम वॉक्स एट किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन मान लीजिए यहां से चला साउथ में आठ किलोमीटर चला ठीक है देन ही ट्स राइट एंड वॉक्स एट फाइव किलोमीटर उसके बाद दाएँ मुड़ा और पांच किलोमीटर चला हिट देस राइट एंड वॉक्स एट किलोमीटर उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ा और आठ किलोमीटर चला ठीक है एट दिस पॉइंट हिटर्स राइट उसके बाद वह फिर दाए मुड़ा और कितना चला छह किलोमीटर चला अब पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है अब देखिए एक किलोमीटर तो दूरी हो गई यहां से यहां तक की और दिशा हो गई इसकी ईस्ट तो वन किलोमीटर ईस्ट यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया एक किलोमीटर पूर्व दिशा क्या हो गया बिल्कुल सही आंसर हो गया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर है करिए क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर है बनाइए इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहा गया है देखिए चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर एट का आंसर करिए और क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और जितने भी नए दोस्त हैं वो एग्जामपुर परिवार को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और 22 मार्च के बारे में आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को साहब सुबह ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे बहुत कर्रा धमाल होने वाला है ठीक है कैडा जैसे कहते हैं चलिए करिए सी का आज एग्जाम नहीं है कल है ठीक है नकुल जी नमस्कार क्या बात बहुत बढ़िया देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि शुड ऑल एनुअल एग्जाम्स बी डिसकंटिन्यूड एट द स्कूल लेवल बाय नाइन्थ ग्रेड कह रहे क्या कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाओं को स्कूल स्तर पर बंद कर दी जानी चाहिए इसका तर्क देखिए इसने तर्क क्या दिया है आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कह रहे यस मोर एंड मोर रूरल स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल कह रहे हा अधिक से अधिक ग्रामीण छात्रों को मध्य स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा भाई साहब अवसर मिलना ना मिलना वो कोई एग्ज़ाम पे थोड़ी ना डिपेंड करता है क्या तुम सोच के जाते हो कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा तभी मैं स्कूल में जाऊंगा पढ़ने तो एग्ज़ाम होगा आपको भी पता है क्यों क्योंकि वो ज़रूरी भी है तो जो ये पहला वाला तर्क है ये पूरी तरह से आपका वीक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा ठीक है अब दूसरा तर्क पढ़िए दूसरे में लिखा है कि नो इट विल नॉट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट गुड लेवल एजुकेशन नहीं यह छात्रों को अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा यह पॉइंट आपका स्ट्रांग होगा भाई अगर आप एग्जाम्स खत्म कर देंगे तो आप एक बात बताइए मान लीजिए आपने एग्जाम बंद कर दिए तो कोई पढ़ेगा कोई पढ़ेगा ही नहीं तुम्हारे तो पास जब तक पेपर की डेट नहीं होती है तुम पढ़ते हो पढ़ते ही नहीं हो जब तुम पेपर की डेट के बिना नहीं पढ़ते तो जो नाइन्थ तक पेपर ही नहीं होंगे तो कौन सा बच्चा पढ़ रहा है इतना कोई स... अगर इतने होशियार होते इतने सेंसिटिव होते कि भाई साहब बिना पेपर के हम लोग पढ़ लें तो आज की जो ये क्लास चल रही है जिसमें मैं यूपीएसआई का पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं इसमें क्या 700, 800 बच्चे घूमते हैं नहीं ना नहीं। तो यही तो बात है सेकंड वीक कह रहे हो आप लोग तो उसका रीजन बताओ और रीजन नहीं है तो सेकेंड स्ट्रांग हो गया ठीक है ना चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नाइन्थ तो अगला प्रश्न होगा नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करिए तो नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए करिए नाइन्थ क्वेश्चन फटाफट से चलिए देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलिए करिए नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो ये किस किस का गलत हुआ था क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत रहा था चलिए करिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई <laughs> देखिए भाई क्या बात है तो कह रहा है इन अ फैमिली एम हैज टू सन्स एक परिवार में एम के कितने बेटे हैं दो बेटे हैं एम के दो बेटे हैं जिनका नाम है पी और एस जिनका नाम है पी और एस कह रहा है एस इज मैरिड टू आर एस की जो शादी हुई वो किससे हुई आर से हुई एस का जो विवाह हुआ वो किससे हुआ आर से हुआ कह रहा है टी एम का एकमात्र पोता है अब एकमात्र पोता है यानी कि वो एस का बेटा है ठीक है बोल क्या रहा है कि टी एम का एकमात्र पोता है तो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद आर तो पी का आर से तो पी का आर से यानी कि आर जो है पी का आर से तो आर जो है वो पी को क्या बुलाएगा तो आर बुलाएगा पी को ब्रदर इन लॉ तो इसमें कुछ लोग ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं तो ऑप्शन ए इसमें सिस्टर इन लॉ गलत हो जाएगा पूछा है पी विद आर दिट मींस आर जो है दिट मींस आर जो है वो पी को क्या बुलाएगा है ना चलिए बिल्कुल तो यहां पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर है देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर टेन रिशद मलिक पहले रवीना को हाई करना बंद कर दे तब तो समझ आएगा ना बात यह है कि कब मैंने कॉन्क्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी थी वो था सिलोजिज्म यह है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चैप्टर का ध्यान रखोगे कुछ या हाय हेलो करोगे बस और आप पूछ कह रहे हो कमेंट करके कि सर जी आपने तो ये पढ़ाया था कब क्या पढ़ाया था वो ध्यान नहीं है।, है ना ये तो वही वाली बात हो गई करिए क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पर है 48 आंसर दिया है सबसे पहले दिलीप कुमार उसके बाद अभिषेक सिंह उसके बाद मनीष सिंह ठीक है और उसके बाद सही आंसर आने शुरू हो गए नंद किशोर फोर्टी नाइन तो बेटा बहुत ही अलग जा रहा है हे भगवान क्या होगा तुम्हारा तुमने बस सिर्फ इतना देखा मैं सच बता रहा हूं तुमने सिर्फ इतना देखा ग्यारह का डिफरेंस है तेरह का होगा और अड़तालीस टिक कर दिया पर ये गलत है यह आंसर ही गलत है बहुत गलत आंसर है क्यों गलत है तो यहाँ पर है दस तेरह सत्रह चौबीस पैंतीस क्वेश्चन मार्क अगर आप देखेंगे तो तीन का डिफरेंस, देखेंगे चार का डिफरेंस तो यहां पर जो हो रहा है डिफरेंस वो कितने का है सात का यहाँ पर हो रहा है ग्यारह का यानी कि सम ऑफ दीस टू नंबर्स चार तीन सात सात चार ग्यारह और ग्यारह सात बनेगा 18 का डिफरेंस और जैसे ही अट्ठारह जोड़ेंगे तो तिरपन बनेगा ना कि अड़तालीस तो जिसने भी जल्दबाजी में आंसर किया वो गलत किया अगर शायद एक सेकेंड रुक करके कर लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता पर इतनी जल्दी रहती है कि हम गलत कर गए क्या बात बहुत बढ़िया अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी स्क्रीन पर है है ना इसमें से आपको ये बताना है चारों इमेजेस में से कौन सी इमेज अलग है कौन सी इमेज अलग है ठीक है दिख रहा है ना सर ये तो ठीक है यहाँ पर चार इमेजेस हैं आपके पास ये वाली जो चार इमेजेस हैं एक दो तीन चार ठीक है और इनके ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से पूछा है कौन सी इमेज अलग है चलिए बताइए ठीक है जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि कौन सी इमेज अलग है करिए जल्दी से आंसर फटाफट फड़ से पीयूष सबसे पहले आपने सही नहीं दिया था आपसे पहले दो तीन स्टूडेंट सही दे चुके थे इतना वो मत सोचो ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर अब जल्दी से फटाफट फड़ से क्या बात बहुत बढ़िया अमित पटेल पीहू कौशिक विजय सिंह बहुत शानदार योगी जी क्या बात है भाई तो यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ठीक है क्यों भाई क्यों अलग है ए अब कुछ बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं कुछ ए आंसर दे रहे हैं तो इसमें क्या रीज़न क्या है अलग होने का कोई बताएगा या सिर्फ तुक्का चल रहा है भाई ए बी का जो आप तुक्का करा रहे हो ए अलग है और बी अलग है तो उसमें रीज़न देंगे क्या आप कि सर ये रीज़न है देखिए तो जो बी आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा सही सा दे रहे थे तो देखते हैं क्यों सही दे रहे थे वो मैं करूँ तो यह यह अगर मैं बात करूं इसकी तो ये यहाँ से चल के बेचारा यहाँ पर आ गया और ये यह यहाँ से चल के बेचारा यहाँ पर आ गया देखना ठीक है अगर मैं बात करूं इसकी तो ये यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया और ये यहाँ से चल के बेचारा यहाँ पर आ गया अगर मैं बात करूँ इसकी ये यहाँ से यहाँ पर आ गया और नेक्स्ट इमेज में ये चेंज हो रहा है इट्स ओके इसकी बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया और अगर ये देखोगे तो ये चेंज हो करके एक तरीके से चेंज हो गया बट अगर आप चेंज वाले प्रोसेस को छोड़ दो उसके अलावा ये प्रोसेस यहां आया यहां आया तो अगली बार ये यहां पर होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था और जब ये यहां पर नहीं है तो इसमें अलग क्या होगा यही तो अलग होगा तो आंसर क्या होगा ए होगा तो बी वाले सही थे वैसे आंसर ए है ठीक है चलिए तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है बाकी जो चेंज हुआ वो चीज तो अलग रही लेकिन जो हमारे पास डैम श्योर sure चीजें हैं हमें वहीं से तो देखना पड़ेगा तो यहां पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर गोला कर देना तुम्हें कौन सा घर लेके जानी है वो उठा करके ठीक है पेन उठाना मार देना गोले है ना अब वहां पर तुम्हें मैं मतलब मैं हवा में उड़ा दूं इसे मैं गोले ना करूं मेरे पास डिजिटल बोर्ड है मैं उसका फायदा भी ना उठाऊं है ना मैं तुम्हें ऐसी बता दूँ एक काम कर ऐसे कर दे ऐसे कर दे फायदा क्या फिर विकास सिंह कहा से आते हो यार ऐसी बातें लेकर अगला क्वेश्चन देखो नई नई बातें लाते हो यार तुम लोग यार कभी कभी तो कत जिनके सिर ना पैर ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ऑप्शन हटा दिए हैं ठीक है ठीके? जूम करके ऑप्शन थोड़े से हटा दिए ताकि आपको दिख सके बाद में लग जाएंगे ऑप्शन का क्या है चलिए करिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ना वैसे कर देना मैं एक बार मैंने देखा था ठीक है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन थी जब मैं एक कॉलेज में था ना तब वहां पर मेरी ड्यूटी लगी थी एक बार एग्जाम में तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था ठीक है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था पीओ का नहीं था तो उस स्टूडेंट ने बताया क्या किया था वो एक क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें टू स्टार हैश वन फाइव एट द रेट के एम एल ऐसे करके जो आता है तो उसने क्या किया वहीं पर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर दिए स्क्रीन पे कह रहा सर मुझे कौन सा घर लेके जानी मैंने बात तो तो भी सही कह रहा है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ठीक है देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ये कह रहा है युग जो है युग ने बिंदु E से F तक सात किलोमीटर की सीधी यात्रा करी अब सीधी यात्रा हमेशा आपको मैंने बताया है ईस्ट e की तरफ कराया करो तो उसने क्या करा E से F तक यात्रा करी सीधी सात किलोमीटर की फिर वह बिंदु F से दाएं मुड़ा और जी तक पहुंचने के लिए आठ किलोमीटर का सफर तय किया जी तक पहुंचने के लिए क्या किया आठ किलोमीटर का सफर तय किया ठीक है फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और सात किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एच पर पहुंचा यानी कि इसके बराबर हो गया फिर वहां से बिंदु एच से वह बाएं मुड़ा और बिंदु आई तक पहुंचने के लिए तीन किलोमीटर चला आई पर पहुंच गया पूछा वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है तो शुरुआती बिंदु से कितना हो जाएगा ये आठ है तो यह भी आठ होगा आठ और तीन ग्यारह मीटर ग्यारह मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ग्यारह मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है चलिए ग्यारह मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहा क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके स्क्रीन पर है करिए इसका आंसर तो इसको इसका आंसर करिए जल्दी से जल्दी से फटाफट फड़ से क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपकी स्क्रीन पर है देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्या बनेगा करिए इसका आंसर रुक करके ध्यान से ठीक है चलिए करिए हरिशंकर उपाध्याय तो दिक्कत क्या है भाई परेशानी क्या है उसमें होना भी चाहिए अपने अंदर यार बाहुबली मूवी नहीं देखी है क्या देख भाई कह रहे कौन सा अक्सर नहीं बनाया जा सकता तो अगर हम बात करें कौन सा नहीं बनाया जा सकता मेजेस्टिक सीमेंटिक बनेगा आइटम्स बनेगा ईस्ट भी बनेगा इपिक नहीं बनेगा क्यों क्योंकि इसमें पी एक्स्ट्रा आ रहा है और पी हमारे पास मेजेस्टिक में नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इपिक ठीक है चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए अब यहां पर एक हल्का सा ना मैं चेंज करूंगा वो ये कि यहां पर हिंदी में हल्की सी एरर है ठीक है ये इसकी बहू है ठीक है बस इतना कर लेना बाकी सब सही है ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट फड़ से जी, बिल्कुल क्या बात है एपिक बनेगा क्योंकि उसमें पी नहीं था बहुत शानदार भाई मजा आ गया देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया अंकित भैया बहुत अच्छे पीहू कौशिक राहुल कुमार रानी भास्कर सौरभ गुप्ता चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो कह रहा है कि टी इज डॉटर इन ऑफ पी टी जो है वो पी की बहू है तो पी की बहू बनने के लिए टी की जो शादी हुई होगी जिस व्यक्ति से टी की शादी हुई होगी उसकी जो माँ या पिता है वो कौन है वो पी है अब माँ है पिता है ये नहीं पता बोला गया पी हैज अ डॉटर यू की बेटी है यू ठीक है यू बना दिया एंड W, और बेटा का नाम है W. पूछा गया है कि W का टी से तो टी जो है वो W को बुलाएगा पति देव हसबेंड तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी हैं और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन तुम जानते हो तो दस मिनट ले जाएगा इसीलिए ठीक है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपकी स्क्रीन पर है करिए इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना भाई ठीक है अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तभी लाइक करना शेयर करना और बाकी सभी जितने भी नए हैं वो मिलकर के एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है बेल आइकन प्रेस कर लें सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से क्या आंसर बनेगा जल्दी बताइए बहुत बढ़िया भाई क्या बात है चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो फिफ्टीन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है 15th थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्त तो ट्रिक ही है तो ट्रिकी है भाई तो ध्यान से करेंगे और क्या है है ना अब जब सर बोल रहे हैं ट्रिकी है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है बिगिन. -E -G -I -N -B -E -N. और बिगिन को किस तरह लिखा जाए वाई एल जे एच के अब मैं बात करूं चौदह नौ सात और ये कितना हो गया पांच और ये कितना होता है दो ठीक है इसकी बात करूं पच्चीस बारह दस आठ और ये कितना हुआ ग्यारह देखो यहां पर तो माइनस तीन डायरेक्ट हो रहा है पहले तुम्हारे आंसर 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 देख लो, तो डी डी दे दे रहे हो। दे रहे हो हो ना चले देखते हैं ठीक है ठेके? इसकी बात करें माइनस तीन माइनस तीन यहां पर देखोगे ना तो प्लस तीन हो रहा है ये भी प्लस तीन हो रहा है ये भी प्लस तीन हो, हो रहा है बट रिवर्स में है ये देख लेना थोड़ा सा पूछा गया है जोनल का पूछा गया है जोनल का तो बारह एक चौदह पंद्रह और ये तुम्हारा छब्बीस तो माइनस तीन करो सबसे पहले तो तो W बन गया और माइनस तीन करा तो नौ पे बन गया I अब देखो W और I दो ऑप्शन में आ रहा है तो प्लस तीन कर दे तो यहां पर चार बना चार पे ये तो इसमें भी है प्लस तीन करा सत्रह पे Q और प्लस तीन करा तो पे तो बना डब्लू डी क्यू आर आई ऑप्शन नंबर है बात तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल गलत था डी ऑप्शन बिल्कुल गलत था आर जे कहाँ से बना आई डोंट नो क्योंकि 12 में से तीन जब जाते हैं नौ बजता है और नौ पर आपका आई आता है तो इसका आंसर बन रहा है डब्ल्यू डी क्यू आर आई तो डब्ल्यू डी क्यू आर आई ठीक है यहां पर था डब्ल्यू डी आर क्यू आई तो तुमने यहां पर एक गलती कर दी ठीक है यहां पर क्या कर दी गलती कर दी <coughs> चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सिक्सटीन आसान क्वेश्चन था बट तुमने गलती करी तो यह तुम्हारी गलती है इसमें कोई और कुछ कर नहीं सकता ठीक है अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका यह आपका है डेटा सफिशियंसी का यह आपका है डेटा सफिशियंसी का इसका मतलब यह होता है आपको बताना है क्या केवल एक से आंसर दिया जा सकता है क्या केवल दो से एक प्लस दो से दिया जा सकता है या एक प्लस दो से भी नहीं दिया जा सकता ठीक है चलिए देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर कि एक से दे सकते हैं केवल दो से केवल एक दो से दोनों से ठीक है फटाफट फड़ से करिए तो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी बॉयज हाउ मेनी बॉयज आर हाउ मेनी बॉयज आर यंगर देन अनिकाज इन क्लास कह रहे अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं जो अनिका की कक्षा अनिका की जो कक्षा है उसमें कितने लड़के उससे छोटे हैं यह पूछा आपसे गया है ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। राहुल कुमार तो इतने प्यार से कह रहा है प्यारे पतिदेव, जैसे कतई से शादी करनी हो अभी करिए आंसर करिए भाई क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी बॉयज आर यंगर क्लास इन हर क्लास कह सकते हैं तो पहले भी कहा गया है कि टोटल बॉयज कितने हैं तीस हैं जिसमें कि आउट ऑफ उन्नीस जो है वो बड़े होंगे तो भाई अनिका से बड़े होंगे उन्नीस तो बच्चे कितने ग्यारह ग्यारह में से एक और घटा दो दस बड़े हो जाएंगे ठीक है तो इससे तो आंसर दिया जा सकता है दस आंसर आ रहा है अगर इसकी बात करूं तो यहां पर कह रहा है जब मैं एक मिनट कमेंट पढ़ लू मुझे एक तो कमेंट ऐसे वाले लग रहे हैं जिनकी जरा डांट लगा देनी चाहिए है ना जो ये पुराने वाले आंसर दे रहे हैं ना कोई बात ना कह रहा है कि जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उसके अनुचार ऊंचाई के अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया गया तो उ, अनिका ऊपर से क्रम से सभी छात्रों में वे और लड़कियों में वे स्थान पर रही अब एक बात बताओ सुनो मेरी बात है ना देखो एक बात बताओ उससे पूछा है कितने छोटे हैं यहां पर तो उससे बड़े की हाइट दी गई है छोटे की दी कब गई है तो यहां से आंसर कैसे आ गया से आंसर कैसे आ गया ठीक है तो यहाँ से तो आ सकता था यहां से कैसे आ गया यहां तो छोटों की दी ना गई बड़ों की दी गई है ठीक है <coughs> तो यहां से आंसर नहीं दिया जा सकता ओनली वन कितना होगा ओनली वन होगा ठीक है ओनली वन होगा सेकेंड से आंसर नहीं निकलेगा चलिए अगला देखें तो next होगा सेवन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है करिए इस क्वेश्चन का आंसर तो वो पहले और तीसरे का ही रिलेशन करना है मैं फुल जूम कर दिया हूं इसीलिए जल्दी से करिए थोड़ा सा है ना ताकि कम से कम कम से कम एक क्वेश्चन तो हम कर ही जाए उसका चलिए करिए तो ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जातिवाद में क्या होता है भेदभाव और महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इसमें क्या होता है इसमें समानता दी जाती है स्वतंत्रता दी जाती है अन्याय किया जाता है गरिमा दी जाती है तो इसमें दी जाती है समानता है ना जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता ठीक है चलिए अगला देखें एटीन नेक्स्ट देखते हैं एटीन क्वेश्चन तो एटीन क्वेश्चन आपका जो है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है किसका है कथन व तर्क का ही है देखिए और अगर ये चैप्टर किसी को नहीं आता है ना ये चैप्टर जि, जिसको समझ नहीं आता है वो आज जो क्लास है ना आपकी आज शाम की जो क्लास है आज शाम सात बजे एन की क्लास होती है किसकी एन की उसमें आ जाना वहां पर मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं आज कथन और तर्क कथन और तर्क चैप्टर में आपको आज शाम को पांच बजे पढ़ाने वाला हूं तो उसमें जरूर आइएगा ठीक है दोस्तों चलिए बाकी करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से देखेंगे कैसे बन रहा है क्या बात बहुत बढ़िया भाई शानदार जिसको कहते हैं बहुत अच्छे देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई हरिशंकर उपाध्याय क्या करेगा जान के बताइए बता <laughs> नहीं है तो बनवाएगा क्या पढ़ ले यार कह रहा है शुड एजुकेशन भी प्रोवाइडेड इन रीजनल लैंग्वेजेस एट ऑल लेवल्स कह रहा है क्या सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कह रहा है हाँ चीन और जापान की शैक्षिक प्रणाली स्थानीय भाषा में है देखिए इस तर्क का इससे कोई मतलब नहीं है तो ये तो वीक हो गया ठीक है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है तो ये वीक हो गया बट दूसरे वाले की अगर हम बात करें बोल रहा है नो कह रहा है शुड एजुकेशन बी प्रोवाइडेड इन रीजनल लैंग्वेजेस और ऑल लेवल रीजनल लैंग्वेजेस का मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई यूपी से है तो उसे सिर्फ हिंदी पढ़ाओ इंग्लिश मत पढ़ाओ अगर कोई कर्नाटक से है तो उसे केवल कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ाओ और कोई मत पढ़ाओ अगर कोई महाराष्ट्र से है तो उसे सिर्फ मराठी पढ़ाओ कुछ और मत पढ़ाओ अपने ऊपर ही ले लो जो बोथ रॉन्ग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ मराठी आती तुम महाराष्ट्र से हो तुम बिहार या यूपी के अदर एरिया से हो उस साइड में जिस साइड में भोजपुरी बोली जाती है तुम्हें हिंदी नहीं सिखाई जाती तुम्हें सिर्फ भोजपुरी सिखाई जाती ठीक है तुम वेस्ट बंगाल से हो तुम्हें हिंदी नहीं सिखाते तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखाते तुम्हें सिर्फ बंगाली सिखाते तो तुम क्या आज इस क्लास में पढ़ पाते पढ़ ही नहीं पाते तुम्हें आज की क्लास छोड़ के जाना पड़ता ठीक है तो यहां पर दूसरी चीज में यही बोला गया नहीं है ना यह रोजगार के अवसरों को कम कर सकता है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदार बना रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है लिबरलाइजिंग कर रहा है हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों के बड़े योगदान की आवश्यकता है ये बात सच है जितने भी कहते हैं ना जो एजुकेटर बने फिर रहे हैं वो क्या कहते हैं वो विदेशी फंडिंग पे ही तो चल रहे हैं तो भाई उनको भी अंग्रेजी आनी जरूरी हो गई ना वे शायद उन कर्मचारियों का चयन नहीं करना चाहेंगे जो विदेशी भाषा जानते हैं ठीक है भाई एक बात बताइए दे वुड प्रोबेबली लाइक टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज हु नो फॉरेन लैंग्वेज वे उन कर्मचारियों का चयन करना चाहेंगे जो विदेशी भाषा जानते हैं एक बात बताइए क्यों स्पेनिश सीखते हो क्यों इंग्लिश सीखते हो इंग्लिश मत सीखो ना क्यों सीख रहे हो इंग्लिश मत पढ़ो बिल्कुल भी क्या दो हम पढ़ेंगे ही नहीं है ना तो रीजनल लैंग्वेज यहां पर ध्यान दीजिए रीजनल लैंग्वेज यहां पर ध्यान दीजिए ये बात बिल्कुल सेकेंड वाला जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा इस वजह से ठीक है चलिए अगला देखेंगे तो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन का आंसर करिए उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा उसको देख लेंगे है ना चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट फड़ से और ये जो पेपर है ना ये मेरे घर का नहीं है भाई कौन कह रहा है कि सर थोड़ा टफ कराओ ये पेपर यूपीएसआई में आया हुआ पेपर है तुम्हें मैंने इतना पढ़ा दिया है ना तुम्हें इतनी रीजनिंग पढ़ा दी है पिछले डेढ़ साल से तुम्हें रीजनिंग पढ़ा रहा हूं सेम पैटर्न पर कि तुम्हें याद हो गए हैं क्वेश्चन जब तुम एग्जाम में जाओगे ना तो धुआं धुआं काट दोगे ये यूपीएसआई का पेपर है यूपीएसआई का ठीक है जिसका बच्चों से क्वालिफाई नहीं हुआ था पेपर तो यही रीजन है चलिए देखिए इसकी बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर इसकी तो यहां पर कह रहा है एक दो तो ये इस पे जाएगा ये इस पे जाएगा तो अगर हम देखें चौबीस तेईस और यहां पर बन रहा है सोलह और पंद्रह तो इसके बीच अगर डिफरेंस देखूं तो आठ का डिफरेंस है तो यहां पर अगर चार का लेता हूं तो यहां पर बनेगा बीस यहां पर चार का लेता हूं तो उन्नीस बीस उन्नीस में टी एस, तो ऑप्शन डी क्लियर था कोई दिक्कत ही नहीं थी है ना सही है चलिए तो अब वैसे इसमें मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है टाइम हम पे बचा नहीं है अगर मैं कराता भी हूं तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा दस मिनट का टाइम चलो मैक्सिमम ले लेते हैं ठीक है चलो आज खींच देते हैं मान लीजिए तो अगर हम करें तो इनपुट आउटपुट को समझ तो लेंगे ही देखिए इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये आपको स्टेप्स दिए गए हैं समझिए जल्दी से स्टेप समझिए क्या हो रहा है फटाफट से स्टेप समझिए हो क्या रहा है फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसका जल्दी से स्टेप समझिए इसमें हो क्या रहा है बहुत जल्दी से समझिए है, है ना और कल कोशिश करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जल्दी से समझिए इसमें हो क्या रहा है क्योंकि अगर इसमें समझ में आ गया क्या हो रहा है तो फिर मैं इसका एक क्वेश्चन दूंगा फटाफट फड़ से समझिए इसमें क्या हो रहा है संजय यादव को ब्लॉक कर दो ठीक है चलिए करिए इसको समझिए इसमें हो क्या रहा है दोस्त पढ़ने तो तुम वैसे भी नहीं आए थे यादव जी तो क्लास में रह के करोगे भी क्या कमेंट करके क्या करोगे आई मिनटू से चलिए देखिए आज 11 बजे से ऐप पर नितिन सर की क्लास चल रही होगी आज यूपी जी के एक बार देखो तो जा करके आ गया समझ क्या हो रहा है ठीक है जब आ गया तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसका आ गया तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसका है ना करा मैं कल दूंगा इसको कराऊंगा मैं कल अगर आपको समझ आ गया है तो मान लीजिए इसका ये क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन ये है इसका ठीक है इस क्वेश्चन को आप लोग कर दीजिएगा आंसर सही है इस क्वेश्चन का क्या कीजिएगा आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट्स में बता दीजिएगा बाकी जो इसका बचा हुआ पेपर है वो कल डिस्कस करेंगे है ना इसका जो बचा हुआ पेपर है वो कल डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है तो चलिए फिलहाल वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अपने एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिसको भी ये इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन नहीं आता था मशीन इनपुट आउटपुट जिसको भी मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आती है वो सभी लोग कल की क्लास 11 बजे जरूर देखें क्योंकि पहला क्वेश्चन यही होगा कल 11 बजे पहला क्वेश्चन यही होगा तो कल की क्लास में जरूर आइएगा चलिए तो फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें 22 तारीख सुबह 11 बजे आज का टारगेट मेरा लक्ष्य 22 तारीख सुबह 11 बजे चलिए तब तक के लिए टेक केयर बाय और दूसरी चीज हाँ भूल गया बताना अगर आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है ये वाला चैप्टर पढ़ना है अगर कथन तर्क वाला कथन व वा तर्क वाला तो आज शाम सात बजे जरूर आ जाए उस क्लास में मैं इसको पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय हैव अ गुड डे जय हिंद जय भारत जय कर विजय एग्जाम